हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एसक्यूएल सर्वर की है और एसक्यूएल सर्वर में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, क्या कोड लिखेंगे कि टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा क्वेरी में, तो चलिए आज इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर को ओपन करना है। तो यहां से देखिए एसक्यूएल जैसे मैं टाइप करता हूं तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ गया है। अब इसको ओपन कर लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसे ओपन करें तो नेट से कनेक्टेड रहें। अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। तो नेट से कनेक्टेड रहना जरूरी है। यहां पे देखिए आ भी गया है कनेक्ट, तो यहां से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेरी पे करते हैं क्लिक, न्यू क्वेरी पे क्लिक किया। अब यहां पर हमें क्वेरी बनानी है, तो यहां पे हमें टेबल क्रिएट करने के लिए बनाना है। तो यहां पे लिखता हूं मैं क्रिएटी क्रिएट और फिर यहां लिख देंगे टेबल, तो ये हो जाएगा क्रिएट टेबल। अब टेबल यहां पर क्रिएट करने के लिए हमने वो कोड लिख दिया है, लेकिन अब हमें टेबल का नाम देना है। तो टेबल का जो भी नाम देना चाहता हूं चाहते हो वो दे दीजिए। यहां पे माय टेबल कर देता हूं मैं, तो ये माय टेबल कर दिया इस तरीके से। और यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट आपको ओपन करना है। अब यहां पर कॉलम 1 का क्या नाम देना चाहते हैं, कॉलम 1 का नाम देना चाहते हैं लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे कर दीजिए अंडरस्कोर स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये नेम ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया, ये जो है पहले कॉलम का। इसका डेटा टाइप भी देना है, तो यहां पे क्या दे देंगे, यहां पे देंगे हम वेर कैर सी एच ए आर, तो इस तरीके से वेर कैर दे दिया हमने। और यहां साइज इसकी 20 रख लेते हैं, ठीक है। फिर कॉमा देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, दूसरे कॉलम का क्या नाम देना चाहते हैं, तो यहां पर देना चाहता हूं क्लास सी एल ए डबल एस, तो स्टूडेंट का क्लास क्या है वो आ जाएगा। और इसे भी क्या देंगे, वेर का डेटा टाइप देंगे, तो वी ए आर सी एच ए आर इस तरीके से दे देना है। और इसकी साइज मैं रख लेता हूं 10, ठीक है, तो 10 रख दिया। अब फिर कॉमा दे दीजिए, और कॉमा देने के बाद फिर क्या करना है हमें, फिर यहां पे कॉलम 3 अगर है तो कॉलम 3 बना लीजिए। तो जो भी नाम देना चाहते हैं कॉलम 3 को तो वो दे दीजिए, लाइक यहां पे देना चाहते हैं रोल नंबर तो यहां पे लिख दीजिए रोल नंबर इस तरीके से। और यहां पर रोल नंबर लिख करके, और यहां पर अब क्या देना है, डेटा टाइप क्या देंगे, तो यहां पे वेर कैरी रख देता हूं, ये वेर कैरी रख दिया हमने। और यहां पर डेटा टाइप की साइज, जो डेटा हम यहां पे फीड करेंगे उसके साइज 5 दे देता हूं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। अब यहां पर भी कॉमा दे देंगे, और कॉमा देने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे और नीचे इस ब्रैकेट को क्लोज करके और इसे टर्मिनेट कर देंगे इस तरीके से। और जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे हम, तो ये देख पाएंगे कि ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया।